हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्मे मुबारक अभी हुजरे में रखा है, सहाबा मौजूद थे, इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बात थी, आधे सहाबा ये कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दें जैसे सारे लोगों को गुस्ल दिया गया है, गुस्ल मौत के बाद जो गुस्ल है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास पाक को कोई हटाए, हुजूर के लिबास को कोई हटाए और कोई दूसरा गुस्ल दे, इन मामलात को लेकर के सहाबा हुजरे में खड़े होकर के आपस में ये बातें कर रहे थे। ये इख्तिलाफ मज़मूम नहीं महमूद था। बास कह रहे थे गुस्ल दिया जाए, बास सहाबा कह रहे थे नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी हालत में दुनिया से जाएंगे। सहाबा में ये बात अभी चल रही थी, हदीस शरीफ है, सही हदीस है बुखारी की भी, कि अचानक वो हुजरे में जितने खड़े सहाबा थे, छोटा हुजरा था, बहुत सारे लोग अंदर आ नहीं सकते थे, जितने सहाबा खड़े थे वो कहते हैं हमको गुनूदगी तारी हुई, नींद आ गई, आंखें झपकी और सब के सब वहाँ पर ओंघने लग गए। थोड़ी देर झपकी आई, फिर आंखें खुली तो देखते हैं हुजूर को गुस्ल दिया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल शुदा हैं, पानी के कतरात टपक रहे हैं। मसला हल हो गया, अब लड़ना किसी बात पर नहीं था। दूसरा इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। बाज़ सहाबा कहते थे मक्का में ले जाएं, इनका आबाई वतन है। बाज़ कहते 30,000 के करीब अंबिया इकराम बैतुल मुकद्दस के आस पास दफन है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के भाई हैं सारे अंबिया, वहाँ ले जा करके दफन करें। और बाद सहाबा कहते नहीं, हम मदीने से बाहर ना ले जाएं। ये इख्तिलाफ था, तीन जमातें थी। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस आपने सुना ही कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था अल्लाह के हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। मसला हल हो गया। हाँ, फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह पाक यहाँ कब्ज़ की गई, हज़रत आयशा के मकान में, तो अभी यहीं दफन होंगे। इस बात का भी खुलासा हुआ। अब उनके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद नमाज जनाजा के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, हुजूर की जनाजे की नमाज कैसे हुई। वो एक साथ जम्मे गफीर के नमाज अदा नहीं की गई थी, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को हुजरे में ही रखा गया था और सहाबा की एक एक जमात आती थी, नमाज पढ़ती थी और चले जाते थे। बल्कि ये नमाज जनाजा, इस नमाज जनाजा के बारे में भी सहाबा में बातें हुई कि कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, किस तरह से। अब उसमें फिर हुजूर की ही एक रिवायत हदीस सहाबा ने सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सब के सब मेरे हुजरे से बाहर चले जाना। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अक़दस के पास नमाज जनाजा के लिए कोई और नहीं, जिब्राइल अमीन आएंगे। सैयदुल मलाइका हाजिर हुए फरिश्तों की जमात के साथ, फिर उनके बाद हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने नमाज़ें अदा की फरिश्तों की जमातों के साथ। और उनके जाने के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर आए सहाबा की जमात के साथ, फिर एक के बाद दीगर सहाबा दाखिल हुए और सबों ने अपनी अपनी नमाज़ें अदा की। अब यहाँ एक मसला बताऊँ, नमाज जनाजा जो होती है वो मैयत की बख्शिश और उसकी मगफिरत की दुआ के लिए होती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ने वाले हुजूर के लिए मगफिरत की दुआ करने गए थे, हुजूर की बख्शिश का सवाल करने गए थे। अरे वो रसूल जो हाथ ना उठाए तो कयामत में किसी का हिसाब ना हो। नमाज जनाजा दो तरीके की है, इसीलिए फरमाया गया नमाज जनाजा में हाजिर हो जाओ, तुम्हारी कसरत जो होगी, तुम्हारी जमात होगी, तुम उसकी मगफिरत की दुआ करोगे, अल्लाह मैयत को माफ कर देगा। एक एक रिवायत।
और फरमाया अगर कोई बहुत नेक इंसान का इंतकाल हुआ तब भी जनाजा पढ़ो, इसलिए कि जितने शरीक होंगे उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो वहां ये मसला भी हल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नमाज जनाजा में जो गए थे वो सब के सब मुस्तफीज होकर के आए, हुजूर से अनवार व बरकात लेकर के आए। दफन की बात, बुध के दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई, दो दिन के बाद, पीर के बाद से लेकर के बुध के दिन तक। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कसीर सहाबा थे, नमाज पढ़ने में ही ये वक्त निकलता रहा। और तदफीन के बाद अब जो मामला सबसे पहले दरपेश है, मुसलमानों की इमामत का, मुसलमानों की इमारत का, हुजूर के जाते ही इख्तिलाफात इस कदर हो गए थे बाहर सहाबा में, दीगर लोगों में जो नफ्स परस्त लोग थे, कुछ तो नबूवत का झूठा दावा भी कर बैठे हैं। हुजूर के जाते ही अस्वद आंसी नाम का एक शख्स खड़ा हुआ, मुसैलमा कज़ाब एक शख्स खड़ा हुआ, और लोगों में कसरत से वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए, असर रसूख बढ़ाते हुए लोगों को अपनी तरफ माइल किया, मैं और सच्चा रसूल हूँ, मैं और सच्चा नबी हूँ, ऐसा सहूलत देने लगा। जो तो सहूलत के पीछे भागते हैं वो ऐसे नबियों के पीछे भागते हैं। शरीयत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, इसीलिए मुसलमानों हमेशा याद रखो कि अगर तुम तन आसानी चाहोगे तो शैतान किसी भी घड़े में ले जाके तुम्हें गिरा देगा। तुम हमेशा ये याद रखो, मेरी तबीयत चाहे या ना चाहे, जो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है वही हक है। लोग आते हैं, बीवी को तीन तलाक दे दिया, हमने बता दिया है कि हो गई है, फिर वो ऐसा कोई मौलवी ढूंढते हैं जो उससे कहे कि नहीं हुई अभी रह सकता है। वो ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं से सहूलत चाहते हैं, जबकि सही अहादीस और सही कुरान की आयात से जो मसला मिल गया तो उसके बाद अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दो, यही शरीयत है। और लोगों को आसानी चाहिए, रोज़े में भी कोई एक घंटा पहले इफ्तार करने की परमिशन देने लग जाए तो उसके भी बहुत सारे मुरीद बन जाएंगे कि हमारे यहाँ कंसेशन है। बहुत सारे ऐसी जगहों पर बनते बनते फिरके इसीलिए बन गए शैतान के, वो आलाय कार बन जाते हैं, शैतान उनको ले जाता है। वो झूठे नबी जो पैदा हुए थे हुजूर की वफात के फौरन बाद, वो ऐसी ही सहूलतें बांट रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ इतनी नमाजें नहीं, हमारे यहाँ इतनी ज़कात भी नहीं देनी, आओ पीछे चलो, जहाँ जंग में गनीमत का माल आएगा वो सब बांटेंगे हम। वो इलेक्शन की तरह एक पार्टी इतना ऐलान करे, दूसरी पार्टी उससे ज़्यादा ऐलान करे, एक कहे बिजली फ्री तो दूसरे कहे औरतों को टिकट फ्री है। ये लोगों को बहलाने और फुसलाने के जो तरकीबी इनामात होते हैं। मेरे अजीज़ों एक बात याद रखना, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अगर कोई इस तरह की चीज़ें लाए तो उसको निकाल कर फेंक देना, अगर कांटों पर भी चलना पड़े तो मुझे वही रास्ता पसंद है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम का है, वही रास्ता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद जो सबसे अहम मामला था वह इमामत का था, खिलाफत का था। अब कौन अमीर होगा, कौन इमाम होगा मुसलमानों का, ये एक ऐसी सिचुएशन थी सहाबा के लिए कि अगर ये फौरी तौर पर हल नहीं होता तो दुश्मनान इस्लाम इनकी जमातों को टुकड़े कर देते। सहाबा इकराम के दुश्मन कम नहीं थे, ये लड़ रहे थे, मुसलसल लड़ रहे थे, कितने बाज़ेंटीनी हुकूमतें, ईरानी हुकूमतें, रोमी हुकूमतें सब इनके दुश्मन बनी बैठी हुई थी, सासानी हुकूमतें, बहुत सारी हुकूमतें इनकी दुश्मन बनी बैठी हुई हैं। अगर ऐसे में इनका कोई अमीर नहीं होता, अगर कोई इनका खलीफा नहीं, अगर इमाम नहीं होता तो फिर दूसरी हुकूमतों को मदीने पर चढ़ाई करने में ज़रा बराबर वक्त नहीं लगता। और फिर प्लस हुआ क्या है, कुछ तो लोग मुर्तद हो रहे थे, मुर्तद कहते हैं इस्लाम को छोड़ कर फिर जाना। कुछ लोग ज़कात के मुनकिर बन गए, कहा हम ज़कात नहीं देंगे, और रसूलुल्लाह के ज़माने में देते थे, अब नहीं देंगे, वो फिर गए, मुर्तद हो गए। और कुछ वह अस्वद अंसी, तुलैहा बिन खालिद खुवैलिद, और उसके अलावा मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे झूठे नबी। अरे झूठे नबियों की ऐसी तादाद बढ़ती जा रही थी कि एक औरत भी निकल आई उसमें कि मैं भी नबी हूँ, और
नबुव्वत का दावा करते करते वो जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो भी नबुव्वत का दावा किया था, उससे जाके शादी भी कर ली। एक ही घर में दो झूठे हैं, शोहर भी और बीवी भी, और ये कज़्ज़ाब दज्जाल। जो भी हुज़ूर के बाद नबुव्वत का दावा करता है उसको दज्जाल कहा गया है, सबसे बड़ा झूठा दुनिया का, सबसे बड़ा झूठा उसको दज्जाल कहते हैं। ये हालात जब पेश आए, अब खिलाफत के लिए हुज़ूर ने किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया। सहाबा के लिए कितना बड़ा इम्तिहान था ये। तो जो अंसार सहाबा थे मदीने के, अंसार सहाबा में मीटिंग शुरू हो गई, मदीने वाले थे सहाबा, और यकीनन वो बहुत ही ईसार और कुर्बानी वाले सहाबा हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने अपनी जानें निछावर की, अपनी औलाद वार दी है, कुछ नहीं रखा था। वो अंसार सहाबा की बाज आपस में मीटिंग चल रही थी, वो आपस में साद इब्ने अवादा रदी अल्लाह तआला या फिर दीगर सहाबा इकराम को आगे बढ़ाकर वो ये कह रहे थे कि अब हम आपको अमीर मुकर्रर करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे जो ताल्लुकात हैं अंसार के लिए, जो हुजूर ने दुआएं की हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो खिलाफत का हक या अमीर बनने का हक अंसार को है। तो अंसार सहाबा की ये मीटिंग जो चल रही थी, एक वहाँ मदीने तैयबा का एक मशहूर इलाका था, तो वहाँ पर उस कट्टे पर या उस टीले पर सब जमा हुए थे। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये बड़े सहाबा हैं, ये आपस में बात कर रहे थे कि किसके हाथ इमारत हो, खिलाफत हो, इमामत हो। तो इसी असना में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अंसार के दरमियान ऑलरेडी ये बातें चल पड़ी हैं, कौन बनेगा, क्या होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस जमात में आए जहाँ मीटिंग चल रही थी, आए यहाँ देखा तो वहाँ खिलाफत की बातें चल रही थी और अंसार अपना कोई अमीर मुकर्रर करना चाह रहे थे। अब अंसार में से कोई अगर अमीर मुकर्रर होता तो बड़े मसले थे। उसकी वजह क्या है, मदीने में दो ख़ानदान हैं, औस और खजरज। मैंने सीरत के बयान में सुनाया है, औस और खजरज ये दो ख़ानदान हैं और ये सहाबा उन्हीं दो ख़ानदानों में से हैं। आज तक वो ख़ानदान मौजूद है मदीने में, औस और खजरज, और दोनों की इतनी सख्त लड़ाइयाँ थी कि ये दोनों कबीलों में 120 साल तक लड़ाई चली, अरब की मशहूर जंग औस और खजरज के बीच में। लेकिन वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता हो गए। लेकिन अब अंसार सहाबा में दोनों कबीले हैं, औस भी है खजरज भी है, औस भी है खजरज भी है। अगर इनमें से किसी एक ही को तो खलीफा बनाना है, अगर वो औस कबीले का बनता तो खजरज वालों को नागवारी हो जाती, बहुत पुरानी लड़ाइयाँ चली हैं। खजरज कबीले से कोई बनाए जाते हैं तो औस वालों के लिए मसला होता। और उसके अलावा तीसरा मसला ये था कि ये मदीने वाले लोग थे और कुरैश ख़ानदान पूरे अरब में सबसे अजमत वाला ख़ानदान माना जाता था, क्योंकि खाने काबा की चाबी उनके पास होती, और अरब के छोटे बड़े जितने कबीले हैं वो सब कुरैश को सलाम करते। कुरैश ख़ानदान की अजमत, उसकी सियादत, उसकी हुकूमत को तस्लीम करते थे ज़माने जाहिलियत में भी। अब कुरैश के अलावा अगर कोई दूसरा बनकर आता तो जो छोटे मोटे कबीले हैं वो कभी सरदार तस्लीम नहीं करते। अरबों के अंदर ये रिवाज, अरब कबीले और फिर मक्का में रहने वाले दूसरे कबीले औस और खजरज के किसी को अमीर वो नहीं कबूल कर पाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दानाई थी, दूरंदेशी थी, वो सब हालात जानते थे, सियासत इसी को कहते हैं, असल सियासत। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए सकीफा बनी साइदा जो इलाका है वहाँ पर, वो जो टीला है वहाँ पर सारे अंसार सहाबा थे। खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया, वो ऐसा खुतबा था सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अभी अभी हुजूर के जाने का गम ताज़ा था और सारे सहाबा जानते थे सबसे ज़्यादा हुजूर के साथ रहने वाले हज़रत अबू बकर ही थे। हज़रत अबू बकर ने ये नहीं कहा, ऐ लोगों मैं खलीफा बनने आया हूँ, नहीं,
एक जुमला भी नहीं फरमाया। यहां मैं तारीख की सच्चाइयां आज रख रहा हूं आपके सामने, उन झूठे काले लोगों के ऊपर ये जन्नाटेदार थप्पड़ है जो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर उंगलियां उठाते हैं, गसब करके खिलाफत ले लिया। नहीं, वहां पर आए अंसार सहाबा की जमात के दरमियान खुतबा दिया और कहा, ऐ अंसार तुम्हारी कुर्बानियां हमें याद हैं, जब हम आए थे बेघर थे तुमने यहां घर दिए, मुहाजिरीन को तुमने संभाला, रसूलुल्लाह के कदम ब कदम साथ रहे, ऐ अंसार तुम्हारी कुर्बानियां सब हम ये तस्लीम करते हैं, लेकिन मसला ये कि अगर तुम में से कोई अमीर मुकर्रर हो गया, कोई खलीफा मुकर्रर हो गया, तो अरब के दूसरे कबीले इसको तस्लीम नहीं करेंगे, बगावत हो जाएगी, मक्का वाले और कुरैश वाले इस बात को तस्लीम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस खानदान से थे उसी खानदान का कोई अमीर होना चाहिए। मसला हल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस खानदान से, कुरैश से, कहा कि कुरैश से ही हम अपना अमीर मुकर्रर करते हैं। उसके लिए हजरत अबू बकर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा और एक हाथ हजरत अबू उबैदा का पकड़ा, ये दोनों कुरैश खानदान से, दोनों को खड़ा कर दिया और कहा, ऐ गिरोह अंसार, क्या मेरी इस बात को तुम तस्लीम करते हो, मंजूर करते हो, कबूल करते हो? सारे अंसार ने कहा, आप जो कह रहे हैं हक है, कुरैश से होना चाहिए। फिर कहा, अगर कुरैश से होना चाहिए तो सुनो, मेरे नज़दीक कुरैश में अफजल तरीन लोग ये हैं, एक हाथ में मेरे उमर है, एक हाथ में अबू उबैदा है, सारे मुसलमान इन दोनों में से किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर ले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया है। जबरदस्ती खिलाफत हासिल कर ली? नहीं, खिलाफत कैसे आई वो मैं आपको तारीख बता रहा हूं। सकीफा बनी साइदा, वो चोटी पर, टीले पर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, हजरत अबू उबैदा का हाथ पकड़ा और कहा कि ये दोनों अफजल तरीन लोग हैं, कुरैश में भी और तुम में भी, इनमें से किसी एक को चुन लो। अंसार सहाबा सब देख रहे थे, जैसे ही हजरत अबू बकर ने ऐलान किया और बैठे हैं, हजरत उमर खड़े हो गए और हजरत अबू उबैदा भी खड़े हो गए। जिन दोनों का ऐलान हजरत अबू बकर ने किया था, नामजद किया था, ये दो उम्मीदवार हैं, इनको खड़ा किया गया, चुन लो मुसलमानों, तो ये दोनों पहले खड़े हुए और सारे गिरोह अंसार और मुहाजिरीन जितने थे मदीने में सबको मुखातब करके हजरत उमर कहते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के तमाम असहाब सुनो, हजरत अबू बकर ने मेरे नाम का तुम्हारे सामने ऐलान किया, तुम्हारे चुनने के लिए तुम सब गवाह हो जाओ, अल्लाह को गवाह मानते हुए मैं अबू बकर के हाथ पर बैत करता हूं, मैंने इनसे अफजल रसूलुल्लाह की जिंदगी में किसी को नहीं देखा। हजरत अबू उबैदा ने दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे भाई उमर ने जो कहा इस पर मुझे कोई शक नहीं है, अबू बकर के अलावा हम में से कोई अफजल नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी अलालत के दरमियान, अपनी बीमारी के दौरान 17 मरतबा अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले इमामत पर बढ़ाया था। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के लिए जो इमाम पसंद किया है वो हमारी दुनिया का भी इमाम होगा। ये खिलाफत शुरू हुई। यहां पर मामलात ये हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर जैसे ही दोनों असहाब ने बैत किया, सारे अंसार जमात दर जमात आए और सबों ने बैत करना शुरू कर दिया और सबों ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला का इंतखाब है, इनमें से किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हुआ हजरत अबू बकर के नाम पर, किसी को नहीं। अब एक चीज बताई जाती है हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम के मुतालिक, कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मजलिस में नहीं थे। ये जो खिलाफत का सिलसिला चल रहा था, सहाबा के इत्तेफाक राय से ये चुना हुआ है, सबकी इत्तेफाक राय से, इसमें मौला अली करमल्ला वजहुल करीम हाजिर नहीं थे। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हजरत अली को इख्तिलाफ था इसलिए वो हाजिर नहीं थे और वो इनको खलीफा मानते ही नहीं थे, और बढ़ करके शिया हजरात तो ये कहते हैं हजरत अली तकिया करते थे। तकिया का मतलब क्या है? हालात से असल चीज को दिल में छुपा करके रहना,
यानी हाकिम अगर सख्त है तो कुछ बातें अपने दिल में छुपा करके उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते रहना, इसको तकिया कहते हैं। ये करते होंगे मौला अली के बारे में तुम सोचते हो, हैदर कर्रार जिसकी शमशीर का कोई जवाब ना हो वो दिल में छुपा करके कोई बात अमल करेगा? हरगिज नहीं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। हाँ, अब हम ये बता सकते हैं कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम खुद रिवायत में आपको बताऊं, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत क्या है खिलाफत के मामलात में। ये मामलात हुए तकरीबन 6 महीने गुजर गए, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद हाजिर हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में हाथ रख करके आपने बैत किया। अब सुनिए, हज़रत अली क्यों नहीं बैत किए, 6 महीने क्यों गुजरे? हर एक के कुछ ना कुछ असबाब होते हैं, वजूहात होते हैं। ये मसला मैं और आप क्यों पूछें कि हज़रत अली क्यों नहीं आए थे, मेरे और आपके पूछने से बेहतर तो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद ही पूछ चुके उनसे कि अली इतने दिन क्यों नहीं आए, मसला अब साफ हो जाएगा। जिनका मामला है वो खुद ही सवाल कर चुके हैं। सुनो, हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, आपसे किसी ने कहा क्या आप अबू बकर से अपने आप को अफजल कहते हैं, क्या आप उस खिलाफत के अपने आप को हकदार समझते हैं जिसकी वजह से आपने बैत नहीं की? सैयदना मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ये अहद कर लिया था दिल में कि जब तक जो वही नाजिल हो रही थी कुरान पाक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का एक अहम काम मैं आपको बताऊं, अहम काम, आप जामेउल कुरान है, कुरान पहले पत्तों पर लिखा हुआ था, चमड़ों पर लिखा हुआ था, पत्थरों पर लिखा हुआ था, क्योंकि 23 साल तक कुरान उतरता रहा और सब सहाबा के पास अलग अलग जगह पर था। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में कुरान को जमा करने का काम शुरू हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत के ज़माने में कुरान को जो जगह जगह इधर उधर था सबको जमा कर लिया। अब सुनो, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का अहम कारनामा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि हज़रत अली ने फरमाया, अर्ज की, सुनो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा तो आपने फरमाया, मैंने ये कसम ले ली थी, मैंने ये अहद कर लिया था कि जब तक अल्लाह का कलाम कुरान एक जगह जमा ना हो जाए मैं किसी के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सारे खटमलों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए नहीं किया था, उसलिए नहीं किया था, इख्तिलाफात हुए थे, फला हुए थे, नाऊज़ बिल्लाह। असल वजह ये हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी इस रिवायत को बयान किया और तारीख़ुल खुलफा में आपने इस चीज़ को साफ बयान फरमाया कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी वफात हुई थी, शहादत हुई है कूफा में, उस वक्त भी आपसे कहा गया था कि आप अपना जानशीन किसी को मुकर्रर करेंगे, किसी को खलीफा बनाएंगे, तब भी मौला कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया था कि जब रसूलुल्लाह ने अपने बाप किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया तो मैं किसी को कैसे करूं। ये इस बात की अलामत है कि सैयदना अली करम अल्लाह वजहुल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर मुत्तफिक रहे और उनकी खिलाफत में, उनकी इमामत में नमाजें भी होती रहीं। देखिए, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि सुन्नियों का मजमा है इख्तिलाफात सहाबा को जिक्र करना भी नहीं चाहिए, उससे तुम्हारा लेना देना क्या है? तुम मियाँ ये पूछो नमाज में फ़र्ज कितने, वाजिबात कितने, नमाज के मकरूहात या फासिद होने के तरीके क्या क्या हैं, रोज़ा ज़कात, ये तुम अपनी ज़रूरियात दीन को पूछो। तुम यहाँ बहुत बड़े तारीख़दान बन कर के फैसल भी बन जाते हो साथ में कि नहीं वो ऐसे नहीं थे, ये सही नहीं थे, वो नहीं सही थे, अटकल पच्चू मार रहे हैं 1400 साल के बाद पैदा हो कर के। सोशल मीडिया का दौर है, हमने बहुत सारे ऐसे बरसाती मुहक्किकों को देखा है। हाँ, मुहक्किक तहकीक करने वाले रिसर्च स्कॉलर, तो ये बरसाती मेंढकों की तरह है, ये नए नए आए और इन्होंने रेफरेंस और लोगों के सामने नंबरिंग के साथ कुछ बातें रख रख करके लोगों को यूं वरगलाया है
क्या असल ये बात है, तुमको लोग ये पट्टी पढ़ा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दीन इस्लाम है, पट्टी पढ़ाने से चलने वाला है नहीं। दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर सुबह कयामत तक चलेगा, सुबह कयामत तक चलेगा। बाज तो ऐसे जाहिल आए हुए हैं मुहक्किकीन के नाम पर, जो उलमा से तुम्हें बरगश्ता कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। सारे उलमा से दूर हो जाओ, उलमा मिंबरों पर बैठ करके झूठी बातें कहते हैं। तो नौजवान तबका आज का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, वह अक्सर उलमा के बारे में बदगुमानी करते चले गए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को गुमराह करके जलील मौत देना चाहे तो सबसे पहले उसको उलमा की गुस्ताखी में लगाता है। वो बंदा वहाँ से शुरुआत करता है और उसके बाद वो बदगुमानी उसकी बढ़ती चली जाती है उलमा के बारे में, मदारिस इस्लामिया के बारे में, कि मौलवी लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पता है कि दीन कहाँ से कहाँ तक आया? तुमको अलिब्बा जो पढ़ना आता है आज, या अगर उलमा ना होते इनके वसीले के बगैर, तुम कहाँ से दीन सीखते? मेरे अजीजों, इंटरनेट पर सारा कुरान है, पढ़ने के तरीके सब कुछ मौजूद है, लेकिन कोई तो पढ़ा रहा होगा ना इंटरनेट पर भी। बेवास्ते खुदा कुछ अता करे, ऐसा नहीं है। इसलिए ये तमाम चीमिगोइयों से अपने आप को बाज रखो। और दीन जो है डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वकीलों से अब सीखने लग गए लोग, उलमा को छोड़ करके। इसी वजह से गुमराही के दरवाजे खुलते चले गए। और आम नौजवान को देखो तो ये फर्क करने बैठा है, फर्क करने बैठा है। कोई आकर के सवाल करता है, सरकार गरीब नवाज अफजल थे कि गौसे पाक अफजल थे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? उनकी अफजलियत के मुतालिक, उनके मकामात और मरातिब के मुतालिक वो सिर्फ इस बात के लिए सवाल कर रहा है कि दोनों में से किसी एक का दर्जा घटा करके सोचे, किसी एक का दर्जा घटा करके बताए। अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, दोनों का मकाम बराबर है, दोनों आंखें तुम्हारी बराबर की देखती हैं। कभी तो आज तक तुम ये नहीं बातें करते। बहरहाल, जिनके मकामात और जिनकी फजीलतें बयान हुई हैं वो हम बयान करेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन में इस तरह किसी को घटाकर बयान करना जायज़ नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फजाइल जितने हैं वो सर आंखों पर, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल बयान करो तो कभी हमसे ये नहीं सरजद हो, कभी आपसे भी ये सरजद ना हो कि मौला अली की शान में कोई कमी हो रही हो। मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की शान को घटा करके बयान करना नहीं, ये जायज नहीं है। सहाबा की जो फजीलतें, और जब हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम की फजीलत बयान कर रहे हो तो फिर इस बात का भी लिहाज रखना कि तीनों खुलफाए राशिदीन में से किसी की बेइज्जती और तौहीन ना हो रही हो। इसी का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जो ये तमाम बीच के रास्ते को लेकर के चलते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा की भी अफजलियत के कायल हैं और अहले बैत के अदब के भी हम कायल हैं। हम दोनों में से किसी को भी ट्रोल नहीं करते, किसी की मजम्मत नहीं करते, या किसी की तनकीस या अदना सी गुस्ताखी नहीं करते। एक जमात है वहाबियों की जो अहले बैत की गुस्ताख हो जाती है, वो उनके अंदर। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक साहब ने तारीख लिखी है और जगह जगह उन्होंने यजीद को रदी अल्लाह उन्हों लिखा है, सिर्फ इस दुश्मनी में अहले बैत की। और एक जमात ऐसी है जो सारे सहाबा को गालियां देती है अहले बैत की मोहब्बत में। दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। सही मजहब व मसलक वही है जो दरमियानी अहले सुन्नत व जमात का। सहाबा रसूलुल्लाह के आसमान हिदायत के तारे हैं और रसूलुल्लाह के घर वाले अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद हैं। मेरे आका ने फरमाया, जो उस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, जो उस कश्ती से दूर हुआ वो हलाक हो गया। हमारे लिए कश्ती भी जरूरी है, हमारे लिए आसमान हिदायत के तारे भी जरूरी हैं। ये दोनों के साथ है।